मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा के कलेक्टर से रविवार को पुनः फोन पर बात कर मालखरौदा विकास खंड के ग्राम पिहरीद में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति और राहुल के स्वास्थ्य की जानकारी ली। जशपुर के पत्थल गांव से मुख्यमंत्री ने कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला को वीडियो कॉल कर बोरवेल में गिरे 11 वर्षीय बालक राहुल के बारे में पूछताछ करने के बाद राहुल के परिजनों से बात कर उनको चिंतित न होने और प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिए जाने की बात कही। गौरतलब है कि ग्राम पिहरीद के पास एक बोर में 60 फीट की गहराई में फंसे 11 वर्षीय राहुल साहू को सुरक्षित बाहर निकालने रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नमस्कार सर, नमस्कार जी, क्या स्थिति है अभी? सर आज का अपडेट ये है सर, उस राहुल की टीम आ गई है सर, और वो अपने हिसाब से रोबोटिक से उसके हिसाब से एनालिसिस कर रही है जी। और दूसरा ये है कि जो हम यहाँ पे टिकल किए हुए हैं ऑलमोस्ट हम उस लेवल पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे हम एक छोटा टनल बनाएंगे सर, और उस टनल से 25 फीट में आने को तरीकों पर हम एक साथ काम कर रहे हैं सर, और आशा कर रहे हैं कि आज शाम तक बच्चे एक हिसाब में कुछ कर पाएंगे, फिर उसको बाहर निकाल पाएंगे। जो रोबोटिक आया है उसको कैसे मैं करेंगे, जब टनल बना लोगे तो टनल से निकल आएगा, तो रोबोटिक कैसे उपयोग करेंगे? टनल से नहीं सर, वो उनका जो केविटी बना हुआ है ट्यूबवेल उसी में उनका सिस्टम जाता है सर। अच्छा सिस्टम है सर, नमस्कार जी, ये सिस्टम है सर, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से करिए, सुरक्षित निकालिए, हमारी शुभकामनाएं, पूरे प्रदेश की जनता की शुभकामनाएं हैं जी, खूब बधाई। नमस्ते 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 नमस्ते, कहाँ जा रहे हो? हाँ निकाल ले वो, हाँ कुछ घंटा हुए बाहर निकाले, सुरक्षित बाहर आई, पूरा विश्वास है मुझे, जब का हो सका थे पूरा सब लगाया है, पूरा ताकत लगाया है, है ना, और पूरा विश्वास है कि उसको ऊपर आई, है ना जी, धन्यवाद।